और इशू क्या था, एक सिर्फ एक जो सिंबल था वो हटाना था। वेलकम टू प्रोग्रामर्स लाइफ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज मस्त धूप सेक रहा हूँ यहाँ पे। और आज फ्राइडे वीक का लास्ट डे है और हमारा जो 21 डेज का स्प्रिंट होता है उसका भी लास्ट डे है आज। तो फिर आज जो सारे काम है मेरे पास वो सारे फिनिश करने हैं मुझे, क्योंकि लास्ट डे पे करना होता है भाई, क्योंकि अगले वाले स्प्रिंट में जाते हैं तो फिर सुनना पड़ता है क्यों नहीं हुआ काम वगैरह, उसके लिए प्रॉपर रीज़न भी चाहिए होता है। तो मेरे पास तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है नहीं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा काम निपटा दूँ, पर कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आ जाती है तो बीच में तो हो जाता है कभी कभी डिले। बस फिलहाल नाश्ता कर लेता हूँ। नाश्ते में आज बना है गर्मा गर्म हलवा, गुड़ का हलवा। और आज हम सब अलग अलग नाश्ता कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ नाश्ता करने के लिए, सुनील उधर बैठा है, पायल इधर बैठी है। 2000 रुपए में अकाउंट में सेंड करा, मुझे किडनैप किया है पायल ने 2000 रुपए के लिए। इतना सस्ता 2000 रुपए के लिए? मैंने आपका विचार किया, आपके अकाउंट पे है क्या उतने? मैं तो अच्छा मेरे से मांग रहे हो? मैं तो कितने भी मांगूंगी होने चाहिए ना आपके पास। दो, अपन ना दे रहे। क्या भाई बनेगा रे तू? क्या भाई बनेगा रे तू? और ये बोले मेरा भाई, देखो सुनील देगा मुझे पैसा, ज्यादा होते तो दे देता। 2000 रुपए में इसकी तोहिन हो जाएगी। मैंने आपकी इज्जत रखी, आपके पास ज्यादा। किडनैप तो कैसे किया है देखना, आपके हाथ किडनैप किया है ऐसा लग रहा है वो खुद किडनैप हो चुका है, उसको ही होना था। एक घुसड़ मारता ना चलिए मुझे किडनैप करने के लिए, लो दो दो खाओ। आणि तेला माझ्या गुंजा करून घ्यायचं होतं, प्यायचं नव्हतं। तिथून मीटिंग चालू इथपर्यंत पळत आणि छागर सकाळी सबरकावर भांडत होते झगड़ा करना पड़ता है भाई, बीच बीच में झगड़ा करना पड़ता है, शादी शुदा है, इसका रियलाइजेशन होना चाहिए, नहीं तो बंदा भूल जाता है भाई, झगड़ा ही नहीं हो रहा है। हमारा झगड़ा हुआ ना, मैं किस लिए डर गया पता है? वही बोल रही थी अगर मीटिंग चालू हुई ना मैं दंगा करूंगी पीछे, फिर मैंने रोक दी मेरी लड़ाई। अभी आगे जा रही अभी नहीं भाई, क्या करूंगा अगर ये सच में बोलने लग गई तो मैं क्या करूंगा, मेरी इज्जत चली जाएगी। मेरे से हुआ है एक बार। बोला ही थे। कौन था? आके अनम्यूट कर दिया, बोल रहे नहीं नहीं मुझे पता ही नहीं था, ऐसे ही हो गया और हम दोनों जो बोल रही थी ना सामने से उनकी एक्टिंग कर रहे हैं। अनम्यूट हो गया, अनम्यूट था। मैनेजर मुझे बोल रही थी सुनील प्लीज म्यूट कर लो, अब मैं उनको भी मीक कर रहा था। और डी मार्ट से मैंने लाया है ये आई मास्क, इसको है ना आंखों पे लगाना होता है, ये देखो ऐसे आई मास्क लगाना होता है सोने के टाइम पे, मुझे ना नींद नहीं आती अगर लाइट हो ना कमरे में तो मेरे आंखों में ऐसे रोशनी जाती, फिर मुझे नींद नहीं आती, मैं ऐसे हाथ रख के सोता हूँ। तो मैंने सोचा ये ले लेते हैं, और इस पे मैंने ड्रीम लिखा है क्योंकि मुझे पता है मेरा ड्रीम क्या है, तो मैं हर रात सोने से पहले मैं ड्रीम पढ़ता हूँ, मेरा ड्रीम सोचता हूँ और फिर सो जाता हूँ, इसलिए लिया है। सच है इसलिए तो लिया है, नहीं तो उधर दूसरे भी थे समझे, मैनिफेस्टिंग माय ड्रीम्स। चलो भाई काम शुरू कर देते, आज तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम करने हैं। और भाई मैंने ना फिर से हेडफोन्स यूज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि क्या हो रहा था मेरे जो हेडफोन्स थे ना इस टाइप के, इससे ना मेरा एक कान है ना दुखने लगा। एक बार है ना मेरे बहुत ज्यादा मीटिंग्स थे और बीच में मैं गाने वगैरह सुनता रहता हूँ काम करते टाइम, तो उससे मेरे ना कान में दर्द होने लग गया भाई, ऐसा इधर से ऐसे दुखता था पूरा। फिर मैंने सोचा भाई, मैंने फिर 5-6 दिन हेडफोन से नहीं यूज किए, मैंने हेडफोन लगा दिए भाई, अपना कान अगर चला गया एक बार तो रिपेयर थोड़ी होगा, सोचना पड़ता है भाई। मेरे ना इस पैर में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो पायल मेरे लिए ना थोड़ी सी हेल्प कर रही है, ये वाली उंगली खींचो भाई थोड़ी प्लीज। ओए सुनील चल ना खाना खाना है, चलो जल्दी। ये क्या है हॉटस्टार देख रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? रात के लिए मूवी ढूंढ रहा हूँ। मूवी देखेंगे आज, सर सेनापति हम भी रहा मूवी पे चलेंगे ना भाई।
ये क्या सब्जी है? बटाटो आणि कांदा। कांदा बटाटो, चटनी वगैरह है क्या इसके साथ? कुछ नहीं है। फ्लिप द बॉटल चैलेंज चल रहा है यहाँ पे। एक एक हो गया पायल तेरा। अरे यार, अरे होगा कि नहीं? मैं मीटिंग ज्वाइन करके आता हूँ। ओ भाई, बारह मेरा नौ ओ भाई, तू कितने में कर सकता है? देख, मैं किया तो मैं विनर। जो बोलोगे वो। यार सो गई बॉटम। वो तो उसने दिवास होता है, दिवास होता है। पहले नहीं बोलते थे कि एक बॉल ये भगवान का है। भगवान का है, ये भगवान का है। ये मैं अरे भाई भाई तू सारे भगवान को दे दे पहले। ओ तीन। ये मेरा एक्चुअल ट्राई था तुमने। कितनी सुंदर है यार ये चाय। लास्ट डे था स्प्रिंट का और मेरे पास एक काम था, वो मैं पिछले दो दिनों से कर रहा हूँ। पिछले कितने दिनों से? दो दिनों से। और मेरा दिमाग खराब हो रखा है, वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, उसका कुछ मिल ही नहीं रहा है, ना कोई एरर दे रहा है। और मैं मतलब दो दिन से उस काम को लेके इतना मतलब सोच रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, न जाने कितने मैंने आर्टिकल्स पढ़े, कितनी ज़्यादा रिसर्च देख लिया, पर वो इश्यू सॉल्व ही नहीं हो रहा, उसका मिल ही नहीं रहा है, क्यों आ रहा है। और अभी हमने देखा तो एक बंदा था, उसको मैंने जस्ट पूछ लिया कि भाई ये ऐसे ऐसे इशू आ रहा है, एक बार देख सकते हो क्या, कैसे मतलब कुछ पता है इसके बारे में? भाई वो बंदा आया, उसने क्या किया पता है? मैं आपको दिखाता हूँ क्या किया। मान लो एक मेरा एप्लीकेशन है, ये वैसे डेमो एप्लीकेशन है, ये एक वेबसाइट है स्टैकब्लिज, ये डेमो एप्लीकेशन बनाती है। तो इसके ऊपर है ना, मतलब जो लोगों के पास लैपटॉप नहीं है ना भाई, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो stackblizz.com पे, और आप किसी भी लैंग्वेज में ना कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो, मतलब ब्राउजर में ही सब होता है। तो मैं बताता हूँ मेरा जो चेंज था ना, क्या चेंज रह गया था। तो उस बंदे ने आगे क्या किया सिर्फ पता है? सिक्स के आगे एक अपर एरो दिख रहा है, तो इसको सिर्फ उसने ऐसा कर दिया और रन कर दिया, मेरा इशू सॉल्व। मतलब दो दिन मैंने, क्योंकि वो चीज़ सोची ही नहीं ना रही कि ऐसा भी हो सकता है, इसका भी इश्यू हो सकता है। तो प्रोग्रामिंग में ना भाई, आपका एक सेमी कोलन, एक डॉट आपके दो दो चार चार दिन खा सकता है। सोचो दो दिन कितना होता है, उतने में कितना दिमाग सोचता है, हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं। और इशू क्या था? एक सिर्फ एक जो सिम्बॉल था वो हटाना था, हो गया। वेलकम टू प्रोग्रामर्स लाइफ। चलो जाते हैं, अभी आज काम हो गया, अभी 7:30 बज रहे, फ्राइडे है और अब तक काम कर रहा हूँ, तो खत्म भाई, फाइनली अभी रिलैक्स से दो दिन एंजॉय कर सकते हैं। चलो, और अभी मैंने जो आपको वेबसाइट दिखाई ना, वो क्या करती है, उसके पास है ना ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज होते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा .NET, उसके बाद एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, जो भी टेक्नोलॉजीज जो मार्केट में यूज़ होते हैं, उसका वो ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। उस पर जाके सिर्फ आपको कोडिंग करनी है और आपका ऐप रन होने लग जाता है, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। चलो आप इस वेबसाइट पे गए, मैं अभी को पूरा ही दिखा देता हूँ, डेमो ही दिखा देता हूँ। मतलब जो लोग, बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं ना कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं कैसे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूँ, तो उनके लिए है भाई ये। समझो ये वेबसाइट है स्टैकब्लिज, इस पे गए आप, आपको मान लो कि आपका एक एप्लीकेशन है जो आपको जावास्क्रिप्ट में बनाना है, या फिर आपको जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करनी है, तो आप जैसे उस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे है ना ऑटोमेटिकली वो इसे फाइल से, फिर आपका कोड यहाँ पे दिखता है, और वो रन होने के बाद एप्लीकेशन कैसा दिखेगा। अभी यहाँ पे देखोगे ना, एक ब्राउजर टाइप दिख रहा होगा आपको, इसमें दिखाता है। अभी जैसे मैं यहाँ पे अगर ये नेम चेंज करता हूँ इधर बैकएंड में, समझो इसको मैं ना स्वप्निल कर देता हूँ, तो ये देखो ये यहाँ पे चेंज होने लग जाएगा, समझे। सिंपल जावास्क्रिप्ट सीखनी है तो आप ऐसा कर सकते हो, मतलब जो आपको तामझाम करना पड़ता है ना, सब ऐप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, फिर वो चलने लग जाता है, वो करने की जरूरत नहीं, सीधा वो अपनी प्रैक्टिस कर दो, यहाँ पे आपको आउटपुट दिखने लग जाएगा। मान लो आपको कोई दूसरा टेक्नोलॉजी जिसमें आपको काम करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आ जाओ, समझो एंगुलर में आपको ऐप बनाना है, या फिर आप एंगुलर की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ये सब बना बनाया देता है। यहाँ पे देखो वो एप्लीकेशन चलने में लग जाएगा इधर, अभी एक बार ये रन, ये सब ऑटोमेटिकली रन भी होता है इधर, और आप इसको ना आपके गिटअप में भी सेव कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे एंगुलर है, अभी यहाँ पे आप अगर जाओगे, यहाँ पे अगर हेलो, ये क्या दिखा रहा है, हेलो फ्रॉम एंगुलर, तो हेलो कहाँ से आ रहा है, ये देखो
ये हेलो फ्रॉम इधर से आ रहा है, यहाँ पे नेम डालते हैं, नेम में क्या है एंगुलर है, अभी एंगुलर है ना नेम में, तो यहाँ पे अगर मैं स्वप्निल कर दूंगा तो इधर स्वप्निल दिखाने लग जाएगा। तो ऐसे इतना सिंपल होता है भाई, कोई कोई ताम झाम नहीं रखना। मतलब मुझे, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास है ना इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं स्टूडेंट्स के कि भैया मुझे ना इतना 50,000 का लिमिट है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लैपटॉप कैसे लूँ फिर, और मैं प्रैक्टिस करनी है, कौन सा लैपटॉप लूँ। कुछ ज़रूरत नहीं आज के ज़माने में, सिंपल जाओ वेबसाइट पर जाओ, टाइपिंग करो और आपको बना बनाए मिलेगा सब कुछ। सिंपल सी चीज़ है ये, उन लोगों के लिए है जिनके पास अभी पैसे का कंस्ट्रेंट है, वो नहीं ले सकते चीज़ें। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पॉसिबल नहीं है इन वेबसाइट्स पे, तो आपको उसके लिए प्रॉपर एक मशीन लगेगा, उसमें उतनी रैम लगेगी, रिसोर्सेस लगेंगे। तो वो ये सिर्फ स्टार्ट करने के लिए कि आप रुको मत, करो कुछ, समझे, गलत मत समझ लेना। बंद हो जा भाई। अरे मुझे इतनी हंसी आ रही है ना कि मतलब दो दिन मैं, मेरे कुछ दोस्त, हम दोनों दिन दो दिन तक माथा पच्ची कर रहे थे भाई क्या होगा क्या होगा उस इशू का। और उसका नतीजा क्या निकला पता है, एक जो कॉमा है ना वो निकालना था। पर ये बात, वो पर वो बहुत टेक्निकल चीज़ थी, मतलब वो कॉमा भी निकालना उसके पीछे बहुत टेक्निकल रीज़न था। तो जो हमने सीखा ना उन दो दिनों में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो फिर हम टैकल कर लेंगे इजीली। क्या कर सकती हो, खाना बना रही हो, प्याज कट कर रही हो, और तुमने क्यों बुलाया था मुझे, कुछ स्पेशल बन रहा है क्या आज? ओ माय गॉड, क्या ये, मुझे पता है क्या है, तुम बताओ। क्या है बताओ? वरण सकोल्या। हाँ, मराठी में बोलते हैं वरण सकोल्या, मतलब जो दाल होती है उसमें रोटी डाली होती है सीधा। हाँ। बिना पकी भुनी हुई रोटी, रोटी रोटी करने की, और उसके ऐसे। हाँ। शंकर पाई जैसे ये करने की और डाल देने। हाँ। भाई बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है भाई। बचपन में हमारा फेवरेट हुआ करता था, मम्मी बना देती थी हमें इसको, हम बोलते थे दाल सकुल्या, वरण सकुल्या, दो तीन नेम है ना इसके। दोस्तों मस्त खाना लग चुका है और दिखने में क्या टेस्टी लग रहा है भाई, खा के तो मजा ही आ जाएगा। सुनील मजा आ रहा है, पसंद आ गया? अच्छा। तो दोस्तों जो वैभव भी आया है घर, खाना खा रहा है, हमारा तो खाना हो गया था, थोड़ा लेट आ गया। तो यहाँ पे जोक क्या हुआ, वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का साउंड प्ले किया मैंने रील में, ये दोनों को लगा उनका मीटिंग शुरू हो गया। दहशत है भाई, दहशत। मैं देख रहा हूँ, मेरी है, ये देख रहा है, इसकी है, ये लैपटॉप ढूंढ रहा था, जिसको बंद करके रखा है, उसमें से आवाज आ रही है, वो चेक कर रहे हो। तो मैच लग चुका है, हम फिर से फ्लिपिंग बॉटल चैलेंज कर रहे हैं। फ्लिपिंग बॉटल्स, अभी हर एक को एक एक चांस है। अभी नया 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 प्लेयर ऐड हो चुका है। चलो करना ही था, मतलब नाता ही ना नांगन वाकड़े। फर्स्ट वैभव आया है, वैभव ने पहली बार कर दिया था। अरे यार ये इसको क्रैक कैसा कर फिर से, अभी नहीं आएगा, अभी नहीं कर क्या क्रैक। वैभव के पांच चांस है, अभी देखते वैभव पांच चांस में कितने करते। वैभव सबसे पीछे चल रहा है, दो ओवर किए उन्होंने, तीन ये दूसरी बार वो क्यों कर रहा है नहीं, सुनील का अभी, सुनील करेगा भाई, दो तीन तो करेगा। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस का गिर जाना। ये वापस आ गए।
भाई की बॉटल टूट गई नीचे से, पानी आ रहा है, तब जाके कंपटीशन रुकी है। और विनर कौन है सुनील? मैं विनर हूँ, मैंने 30 बार किया है, 29 बार, तुमने? हाँ, पायल ने 10 बार, वैभव ने 6 बार, बड़े मार्जिन के साथ इन सबको हरा दिया है मैंने। तो दोस्तों फाइनली सारे गेम वेम खेल के अभी हम इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं, और अभी जा रहे हैं फिलहाल नीचे घूमने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लॉग्स, बाय बाय। 1 2 2 ओह हाय जी, मेरे से पंगा नहीं लेगा किसी ने, समझे? But if I lay down and I play dead and